हे पोकेमोन फ्रेंड्स, वेलकम बैक पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 122 के प्रीव्यू के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एपिसोड 121 में कुछ भी नहीं था, मतलब यह सारा का सारा रिकेप था, कुछ भी नया नहीं था। बट एपिसोड 122 में काफ़ी सारी नई बातें थी, यानी कि इसमें हमको सिंधा की इनोवा वाली आउटफिट देखने को मिली है। मतलब एस केचम भी ट्रेनिंग कर रहा है, सिंधा भी ट्रेनिंग कर रही है अपने आगे आने वाले मुकाबले के लिए। प्लस साथ में हमने इस एपिसोड में देखा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात थी कि यार डायंथा के और लियोन का मुकाबला भी हमको दिखाया जाएगा, पर मोस्ट ऑफ मुकाबला जो होगा ये ऑफ स्क्रीन होने वाला है। मतलब डायंथा का एक पोकेमोन कंफर्म हो चुका है, वो है गुड्रा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था और मैंने तुम्हें ये भी पहले बता दिया था कि रिलाइबूम और गुड्रा पोकेमोन आपस में मुकाबला करने वाले हैं। लियोन वैसे डायंथा एपिसोड 122 में होने वाला है। प्लस यहाँ पे लियोन जो है मेगा चाइजार्ड वाई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। आई थिंक क्या पता फिनाले में यूज़ कर ले, बट मेगा चार्जर वाई तो आने तो वाला है, लेकिन यह नहीं नहीं सेमीफाइनल्स में नहीं आ रहा है। इसकी मिस्ट्री में किसी और वीडियो में सोल्व कर दूंगा, लेकिन नहीं, मुकाबला जो होगा वो होने वाला है जी मैक्स चार्जर वर्सेस मेगा गार्डिवायर के बीच में, जो कि आइकॉनिक होने वाला है। बट हाँ, काफ़ी छोटा होने वाला है, लाइक एलान वर्सेज लियोन का मुकाबला जो था ना, उतना छोटा ये मुकाबला होने वाला है। प्लस हाँ, यहाँ पर यार पिकाचू को मिलने उसके फैन भी आए हैं, मतलब हाँ कोई छोटे मोटे बच्चे थे जो कि पिकाचू को मिलने आ रहे थे। बट ओवरऑल ये एपिसोड जो है फोकस करने वाला है लियोन वर्सेस डायंथा के ऊपर, प्लस हाँ एस की ट्रेनिंग के ऊपर और सिंथा के फ्लैशबैक के ऊपर। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एपिसोड 121 में सिंथा का चाइल्डहुड हमको देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि चाइल्डहुड जो है हमको इस वाले एपिसोड में दिखने वाला है। सिंथा का चाइल्डहुड हमको देखने को मिलेगा एपिसोड 122 में। यहाँ पे लियोन वर्सेस डायंथा का मुकाबला जो है एंड हो जाएगा और बाद में एपिसोड 123 से अपना एस वर्सेस सिंथा का मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो मैंने पूरी जानकारी तुम्हें दे दी है कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। प्लीज यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।